जय हिंद एवरीवन। जितने भाइयों का हाइट कम रहता है ना, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता चला है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। देखो, इंडियन नेवी की भर्ती निकल चुकी है, जिसमें टोटल 2500 पोस्ट है और इसमें हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर लगता है। तो इसकी ए टू जेड पूरी की पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, सबसे पहले ये जान लो ना, अभी ये जो इंडियन नेवी की भर्ती निकली है, ये इसमें दो ट्रेड है, एक SSR है और एक AA है। तो जो SSR है ना, उसमें टोटल 2000 पोस्ट है और जो AA है ना, उसमें टोटल 500 पोस्ट है। तो आप SSR में सिंपल 12 पास रहोगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा आपका, मतलब कितना भी परसेंट रहेगा, तो इसमें आप ऑनलाइन करा लोगे। लेकिन जो AA वाला है ना, उसमें कुछ शर्तें भी हैं और उसमें सिर्फ 500 पोस्ट है। तो अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बता दे रहा हूँ, सरकारी रिजल्ट पर भी ले जाकर दिखा दे रहा हूँ। उसके पहले आप लोग ये जान लो ना कि ये जो इंडियन नेवी की भर्ती आती है, ये 10 पास से भी आती है और 12 पास से भी आती है। इसमें ऑफिसर की भी भर्ती होती है और सिपाही रैंक की भी भर्ती होती है। तो ये सब जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और थोड़ा सा भी भगाना नहीं, क्योंकि जितना भी मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊँगा। देखो, इंडियन नेवी की भर्ती कई तरह से निकलती है। एक मर्चेंट नेवी की भर्ती निकलती है, तो मर्चेंट नेवी वाली प्राइवेट होती है और ये इंडियन नेवी वाली सरकारी होती है। ये 10 पास से भी भर्ती निकलती है और 12 पास से भी भर्ती निकलती है। और पता है, इसमें हाइट 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए होता है और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर होता है। अभी दौर कितना होता है, मतलब सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लो ना, अभी ये जो भर्ती निकली है, इसमें टोटल 2500 पोस्ट है, ये तो 12 पास से है। और जो 10 पास से भर्ती निकलती है, उसका नाम रहता है MR, इसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। और इसी में आता है NMR, उसका फुल फॉर्म होता है नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो ये वाली जब भर्ती निकलती है, तो इसमें सिंपल 10 पास रहोगे किसी भी सब्जेक्ट से, तो इसमें ऑनलाइन करा सकते हो, ठीक है ना। और एक होता है SSR होता है और एक होता है AA होता है। तो SSR नेवी का पता है फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और जो AA वाला होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशर अप्रेंटिस। तो जो AA वाला होता है ना, इसमें आप 12 पास रहोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा और उसमें 60% होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन करा पाओगे, ठीक है ना। और जो SSR वाला होता है, इसमें सिंपल 12 पास रहोगे, परसेंटेज मायने नहीं रखता है SSR वाले में। मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूरी होता है, लेकिन 12 पास रहोगे तो SSR वाले में आप ऑनलाइन करा लोगे, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, एक और भर्ती आती है इंडियन नेवी में, तो वो होती है मतलब 10 या 12 पास से भर्ती होती है, जिसमें पहले आपको NDA में सिलेक्शन लेना रहता है। और NDA के लिए आपका पता है एज 16.5 से 19 साल के बीच में होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे भाइयों की मतलब ज़िंदगी बन सकती है, अगर अच्छे से मतलब ध्यान देंगे, शुरू से ध्यान देंगे, NDA का तैयारी करेंगे। तो अगर NDA का तैयारी करेंगे ना, तो मर्चेंट नेवी हो चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे कंपटीशन का कोई भी पेपर हो, वो निकाल देंगे अगर NDA का तैयारी करेंगे। तो मैं आपको अलग बता दूंगा। और एक और भर्ती निकलती है इंडियन नेवी की, इसको आप लोग बोरिंग नहीं महसूस करना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे भाई सोचेंगे ये सब क्या बता रहा है। ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लाइफ बहुत बड़ी है, अभी आप बहुत भर्ती देखोगे, ठीक है ना। देखो, एक जो निकलती है इंडियन नेवी 10+2, तो वो होती है ना बीटेक एंट्री होती है, बीटेक एंट्री होती है, तो उसमें भी 12 पास होना चाहिए और उसमें 50% अंग्रेजी में होना चाहिए, जो बीटेक वाली निकलती है, और उसमें भी 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो ये सब होता है, ठीक है ना, ऐसी इंडियन नेवी की भर्तियाँ निकलती रहती है। अब बात आ जाती है, अभी जो इंडियन नेवी की भर्ती निकली है, ये SSR वाली है। अभी मैं आप लोगों को SSR और AA बताया हूँ ना, तो वही वाली भर्ती है। तो आप डायरेक्ट चलते हैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी हम सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और नीचे चलते हैं लेटेस्ट जॉब में, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख सकते हो इंडियन नेवी का पेज खुल चुका है और इसका ए टू जेड पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दिया है। देखो, इसका एप्लीकेशन वीकेंड ऑनलाइन पता है कितने तारीख से शुरू होगा, आप लोग याद रखना ये डेट, इस डेट को आप लोगों को भूलना नहीं है। 29/3/2022 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और लास्ट डेट है ना 5/4/2022। तो इसमें आप लोग देख सकते हो ज़्यादा दिन नहीं है, 29 तारीख से चालू होगा और 5 तारीख तक होगा, उसी में एक दो दिन सर्वर डाउन रहेगा, तो इसलिए आप लोग याद रखना और करा लेना, ठीक है ना। देखो, कंप्लीट फॉर्म जैसे 5/4/2022, और पता है इसका एग्जाम डेट जो है ना
तो मई या जून में इसका पेपर कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो आपका कितना रुपया फीस लगेगा? देखो भाई, आपका एक भी रुपया फीस नहीं लगेगा। चाहे आप जनरल से होंगे, चाहे ओबीसी से होंगे, चाहे एससी से होंगे, चाहे एसटी से होंगे, सभी लोगों के फ्री है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो ये तो मैं आप लोगों को बताया ही हूँ, टोटल पोस्ट 2500 है। और ये कौन वाली भर्ती है? एसएसआर और एए वाली। मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ ना, एसएसआर और एए की भर्ती निकलती है। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और एए का होता है आर्टिफिशर अप्रेंटिस, ठीक है ना। तो ये 12 पास से भर्ती निकलती है। इसमें आप लोग खुद देख लो, यहाँ इसका फुल फॉर्म भी दिया है। जैसे एसएसआर में 2000 टोटल पोस्ट है, और एए वाली जो भर्ती है ना, इसमें 500 टोटल पोस्ट है। एसएसआर वाला जैसे इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1/8/2022 से 31/7/2005 के बीच में होना चाहिए। और जो एए वाली भर्ती है, इसमें पूरे भारत के लिए टोटल सिर्फ 500 पोस्ट है। तो इसमें आपका 1/8/2002 से और 31/7/2005 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एसएसआर में ऑनलाइन करा रहे हो तो इसमें आप 12 पास होना चाहिए। और पता है इसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? इसमें आपका यहाँ आप लोग देख सकते हो, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। जैसे आपका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो होना चाहिए, इसके साथ इसमें से भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा कि आप 12 पास रहोगे, आपका कितना भी परसेंट रहेगा, बस पास रहोगे तो एसएसआर में आप ऑनलाइन करा लोगे। लेकिन जो एए वाला है ना, इसमें अगर आप 12 पास रहोगे, आपके 12 पास में मतलब 60% रहेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो 12 पास एग्जाम 60%, और वो भी मतलब आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ साथ इसमें से भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो बात ये आ जाती है ना मिला जुला कर, इसमें सिंपल 12 पास रहोगे तो आप ऑनलाइन करा पाओगे, इसमें 12 पास रहोगे लेकिन 60% रहेगा तब आप ऑनलाइन करा पाओगे। तो ऊपर वाला काफ़ी अच्छा है, नीचे वाला भी अच्छा है, जिन भाइयों का होगा उन लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हाइट। तो इसमें हाइट लगेगा आप लोगों का 157 सेंटीमीटर, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, और आपका दौड़ होगा 1600 मीटर, जो कि टाइमिंग मिलेगा 7 मिनट का, और आपका 20 उठक बैठक कराया जाएगा और 5 पुशअप मराया जाएगा, जिस तरह पहलवान भाई डिप्सवा मारता है उस तरह से मरवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ पता चल गया होगा, इसमें कितना हाइट लगता है, कितना वेट लगता है, कितना चेस्ट लगता है, कितना दौड़ाया जाता है, और कितने तरह से इंडियन नेवी की भर्ती कराई जाती है। देखो डेट याद रखना, 29 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू होगा और 5 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है ना। और जो मर्चेंट नेवी वाली, एक मर्चेंट नेवी की भर्ती निकलती है तो वो वाली प्राइवेट रहती है, लेकिन ये वाली जो भर्ती निकलती है ना, ये वाली सरकारी रहती है। तो जितने भी भाइयों को कराना होगा करा लेना, बेस्ट ऑफ लक। जो भाई 12 पास होंगे उन्हीं लोगों के लिए ये भर्ती है, ठीक है ना।